ये हमारे पास नए यूवी टीपीयू आए हैं, इसको आप नॉर्मली जैसे फोल्डेड टीपीयू कट करते हो उस तरीके से कट करके और इसको आप यूवी लाइट के नीचे करेंगे तो इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी आएगी, साइड से छूटने की प्रॉब्लम आती है टीपीयू में वो नहीं आएगा। ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये यही फोल्ड लेयर है, कट वाला माल है सारा, ये सारा फोल्ड लेयर के अंदर है। इसमें वही आप इसको एक बार अलाइनमेंट करके, हमने इसको अलाइनमेंट कर ली, अगर आप दोबारा खराब हो तो आप दोबारा निकाल के दोबारा भी लगा सकते हो। और इसके अंदर देखेंगे तो ये फोर लेयर में है सारा, इसके अंदर आपको ये एक लेयर निकलेगी ये वाली, एक ये दूसरी लेयर निकलेगी ये वाली, इससे आपको ये लगाना बहुत आसान रहेगा। इसके अलावा इसकी क्वालिटी जो है टीपीयू की बहुत ज़बरदस्त आई हुई है, आप इसके अंदर देखेंगे इसको बस ऐसे ही जैसे नॉर्मल आप फोल्ड लेयर टीपीयू कोई सा भी लगाते हो वो लगा के उसी तरीके से लगा के और इसको हम यूवी के नीचे रख देंगे 3 मिनट के लिए। ये यूवी लाइट है, इसके नीचे हम रख देंगे इसको 3 मिनट के लिए, एकदम हार्ड हो जाएगा। ये हो गए हैं इसको 3 मिनट, इसको हम हटा के देख लेंगे आप इसकी कैसी क्वालिटी आई है। ये बिल्कुल ग्लास जैसी फिनिशिंग आ जाती है इसके अंदर, टीपीयू के अंदर बिल्कुल ग्लास जैसी फिनिशिंग। और ये पहले भी लगा हुआ था इसके ऊपर, ये मैं दिखाता हूँ कैसे एकदम हार्ड हो जाता है ये टीपीयू, देखिए कैसे एकदम हार्ड हो गया। ये तो टीपीयू ऐसे होते नहीं है कहीं भी, फट भी नहीं रहा ये, जितनी कोशिश कर लो ये देखो बिल्कुल हार्ड हो गया। अब लैपटॉप के स्क्रीन प्रोटेक्टर भी अवेलेबल है क्लियर में, मैट में और 9H नैनो में, जिसका साइज रहता है 20 cm और ऐसे रहता है 34 cm, और अगर डायगनल में देखेंगे तो ये आपका जाता है 40 cm। ये किसी भी लैपटॉप पे लग जाएगा, लैपटॉप में आप आराम से इसको स्क्रीन गार्ड के लिए लगा सकते हैं, अवेलेबल है।